बिहार दैनिक न्यूज चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार के छात्र का भविष्य संकट में है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जो बिहारियों के लिए अत्यंत दुखद और असहनीय है। इस तरफ किसी भी मीडिया का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया का, ध्यान नहीं जाता, क्योंकि इस तरह के मसले उठाने से मोटी रकम प्राप्त नहीं होती। मैं इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस विकृत नंबर सिस्टम के दोष को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने मित्र सगा संबंधियों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि बिहार के एक एक छात्र तक यह संदेश पहुंच सके। दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी देश और भारत के लगभग सभी राज्य असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा से करते हैं, पर बिहार जो विशेष राज्य के दर्जा का मांग करते करते अनोखा राज्य बन चुका है, और उससे भी अनोखी है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, जहाँ दुनिया के सबसे बाह्यात नंबर सिस्टम को भर्ती का आधार बनाया जाता है। जबकि सब कोई जानता है कि देश में कई बोर्ड और कई विश्वविद्यालय हैं जिनके मार्किंग पैटर्न में बहुत अंतर है। जैसे बिहार बोर्ड के टॉपर और CBSE बोर्ड के टॉपर में कम से कम 15% मार्क्स का अंतर होता है। सेमेस्टर और एनुअल एग्जाम सिस्टम से निकले छात्रों के नंबर के बीच भी इसी तरह का भारी अंतर पाया जाता है। इसी तरह का अंतर ग्रेडिंग और नॉन ग्रेडिंग के बीच भी पाया जाता है। ऐसे में नंबर के आधार पर भर्ती घोर अन्यायपूर्ण और अवसर की समानता के खिलाफ है। बिहार में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में नंबर को आधार बनाया गया, यह समान कोटि के बिहारियों को बाहर करने की कुटिल साजिश है। चूंकि बिहार बोर्ड और बिहार की यूनिवर्सिटीज दुनिया के सबसे कम मार्किंग वाले बोर्ड और यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पर स्नातक व स्नातकोत्तर में छात्रों को बहुत ही कम अंक प्राप्त होते हैं, किंतु उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के यूनिवर्सिटी जैसे BHU से उत्तीर्ण छात्रों को अत्यधिक अंक प्राप्त होते हैं। अतः UP के अभ्यर्थियों को इसका विशेष लाभ मिल रहा है। साथ ही बिहार में स्नातक व स्नातकोत्तर में सेमेस्टर प्रणाली लागू नहीं है। अगर होती भी तो 70% मार्क्स बहुत ही कम छात्रों को मिल पाता, जबकि BHU जैसे संस्थानों में छात्रों को 85% तक अंक दिया जाता है। कुल मिलाकर हर जगह बिहारी छात्र घाटे में रहते हैं। दूसरे राज्य बिहारियों को पान खैनी बेचने तक का रोजगार नहीं देते, जबकि बिहार सरकार प्रोफेसर जैसे बड़े पदों पर भर्ती के लिए जानबूझकर नंबर दिखाओ नौकरी पाओ जैसे बाह्यात तरीके से भर्ती करती है, जिससे दूसरे राज्य के छात्रों को लाभ मिल जाता है, बाकी बिहारी मुंह ताकते रह जाते हैं। इसके लिए हमें आवाज उठाना होगा, आंदोलन करना होगा, तभी हमें हमारा हक मिल सकेगा। इस भर्ती में समान कोटि के 90% से ज्यादा छात्र UP के विश्वविद्यालयों से हैं। जनरल कोटि में बिहार के जनरल को मौका मिला ही नहीं। पता नहीं नीतीश जी और सुशील मोदी को बिहार और बिहारियों से इतना नफरत क्यों है। हम लोग इस बेईमान और बाह्यात नंबर प्रणाली की जगह खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती कराने के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। आपके सहभागिता की मुझे आवश्यकता है, आप हमारी मदद करें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बिहार के हर एक स्नातक और स्नातकोत्तर करके बेरोजगार बैठे छात्रों तक हमारी आवाज पहुंच सके। हमें आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि इस पुनीत कार्य में आप हमारा साथ अवश्य देंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।